सिरसा में हरियाणा रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ गांधीगिरी का रास्ता अपनाया है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के समर्थक दो वरिष्ठ नागरिक हरियाणा रोडवेज के हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका मानना है कि किसी भी सरकारी महकमे में निजीकरण या ठेकेदारी सिस्टम को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। अनशन पर बैठे गुरुदत्त और सीताराम ने कहा कि निजीकरण के विरोध में वे अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। आज गुरुवार को उनका अनशन का तीसरा दिन है। आइए सुनते हैं उनके मन की भावनाओं को। हरियाणा रोडवेज से मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ। यहाँ से मैंने पूरी जिंदगी अपने बच्चे पाले हैं और मेरा एक कर्तव्य बनता है कि जब तक मेरी जान में जान रहेगी और मैं हरियाणा रोडवेज को प्राइवेट नहीं होने दूंगा। और मैं आज मेरा दूसरा दिन हो गया है, मैं रोडवेज के समर्थन में अनशन पर बैठा हूँ। जब तक रोडवेज को प्राइवेट करने से नहीं रुकेंगे, हम अनशन पर बैठे रहेंगे। मैं आज तीसरा दिन है जी। मैं लोकतंत्र जो खत्म हो रहा है, लोकतंत्र नु खत्म कर रही है सरकार, ज़्यादा तो मैं उसके लिए बैठा हूँ। लेकिन मैं रोडवेज कर्मचारियों का भी समर्थन किया है, क्योंकि ये रोडवेज का गला घोट देंगे तो बाकी तो सारी सभी का अपने आप गला घोट जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। एक तो डिक्टेटर बना रहे हैं, डिक्टेटर बनेंगे। मैं चाहता हूँ भी जो भी सरकारी अदारे हैं उनमें सरकार अपना मुलाजम रखे, अपना मतलब मुलाजमों को सहयोग दे। मैं तो कल्ला रोडवेज का नहीं, सभी मतलब महकमों का जो निजीकरण करेंगे उसका विरोध करूँगा। अगर मतलब ये तो अनशन है, अगर मेरे को जान देनी पड़े मैं जान भी दे दूँ, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।